अयोध्या के खाक चौक स्थित हनुमान बाग के पास आश्रम सीताराम विहार कुंज में एक श्रद्धालु भक्त के द्वारा ब्राह्मण साधु संतों का भोज भंडार किया गया, जिसमें अयोध्या के साधु संत आए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सीताराम विहार कुंज व पुरुषोत्तम दास निष्काम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष व महंत रामचंद्र दास ने बताया कि अयोध्या में साधु संतों को भोजन कराने का महत्व बहुत ज्यादा है। हमारे आश्रम से जुड़े श्रद्धालु भक्त छत्तीसगढ़ से आए थे। इनकी इच्छा थी कि आषाढ़ अमोष्या के समय में भंडारा कराने की, तो ये हमारे भक्त ने भंडारा किया और बहुत प्रसन्न हुए। आश्रम में सीताराम विहार कुंज में एक भक्त के द्वारा ब्राह्मणों को संतों का भोजन था और उसमें जिन लोगों को इनवाइट किया गया था वो सब लोग आए थे, उनका भोजन प्रसाद हुआ। और अयोध्या में भोजन कराने का महत्व भी ज़्यादा है, तो ये छत्तीसगढ़ के थे भक्त जी, उनकी इच्छा थी कि अमावस्या के समय में, आषाढ़ अमावस्या के समय में आकर यह भंडारा कराएं, तो उन्होंने भंडारा कराया और बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए और बहुत अच्छे से भोजन प्रसाद चला। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे हम तो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा भगवान के प्रिय नज़दीक बंदर लोग रहे हैं, उनके लिए भी ये कुछ अनुदान करें, बंदरों को भी भोजन कराएं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हर आश्रमों को, हर यात्रियों को, हर पथिक को। तो बंदरों को अगर पेट भर जाए ना तो वो किसी को परेशान नहीं करेगा व्यक्ति, बाकी उसके बाद तो जो भी मठ मंदिर वहाँ भोज भंडारा हो ही रहा है, भंडारा कर ही रहे हैं, और जहाँ जहाँ खुद भी देखें कि कहीं कचरा है तो खुद भी सफ़ा करने का प्रयास करें, उसमें सहायक बने। क्या नाम है? रामचंद्र दास। कौन सा मंदिर है? पुरुषोत्तम दास निष्काम सेवा ट्रस्ट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।